सो so, ये लेंस आपका लेट से हम ऐसे बना देते हैं ये आपका यह आपका कॉनकेव लेंस हो गया ना इसका फोकल लेंथ जो है अपने को दिया हुआ है ट्वेंटी सेंटीमीटर और इसका अपने को फोकस जो है एफ़ वन क्या लेते हैं ट्वेंटी सेंटीमीटर इसका एफ़ टू जो है उसकी वैल्यू अपने को दी हुई है फाइव सेंटीमीटर ठीक है ये आपका फोकल इनके बीच हो गया और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अपने को डी वैल्यू दी हुई है यहाँ से यहाँ तक डी डिस्टेंस है और डी की वैल्यू हमें बतानी क्या होगा ना यहाँ पर स्नैरियो ये है कि यहाँ पे आपकी पैरेलल बीम ऑफ रेज आ रही हैं ठीक है थीके? तो पैरेलल बीम्स ऑफ रेज जब आएंगी ये बात हमें पता है कि वो जाके आपकी इसके फोकस पे, जो भी इसका फोकस है लेटर्स से ये आपका एफ वन है तो यहाँ पे जाके फोकस होएगा तो इसका मतलब है कि ये जो पैरेलल रेज है ये जाके एफ वन और ये एफ़ वन जो डिस्टेंस है आपका ये फोकस का जो डिस्टेंस है यहाँ तक ये आपका एफ वन डिस्टेंस यानी कि ट्वेंटी सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस यहाँ पे यहां आना चाहिए ना ये रेज जब यहाँ से आई तो ये जो आपकी इमेज यहाँ पे बन रही होगी ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना यहाँ पे आपकी इमेज जो अब इसके बाद हुआ ये इफ पैलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए लीज बी एज अ पैलल बीम तो यहाँ पर आपकी जो लाइट है वो भी आपकी पैरेलल बीम की तरह लीव कर रही है ना ये आपका तब पॉसिबल है कि जब ये ऑब्जेक्ट है आपका जो ये आपका इसके लिए जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो इसके फोकस पे बनाओ इसका मतलब है ये जो आपका डिस्टेंस है ये आपका फाइव हो गया तो ये अगर आपका फाइव डिस्टेंस है ये आपकी एफ टू की वैल्यू है तभी यहाँ से पैरेलल बीम आपकी जाएगी नाउ दिस एम्प्लाइज हम ये कह सकते हैं कि डी प्लस फाइव विल बी इक्वल टू ट्वेंटी विच एम्प्लाइज डी विल बी इक्वल टू ट्वेंटी माइनस फाइव यानी कि 15 सेंटीमीटर बस इतना सा काम था इस सवाल में पर जो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए वो ये है कि आपका अगर ये लेंस है पैदल रेज अगर इन्फाइट से आ रही है तो इसके फोकस पे आपकी इमेज बनेगी और अगर इसकी रेज़ आपकी पैदल जा रही है तो इसका मतलब है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो आपका इसके फोकस पे होना चाहिए दैट इज़ द केस तो वहाँ पे रेज़ आपकी पैदल जाएंगे सो दिस विल बी 15 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन टू दिस वुड बी आर फाइनल आंसर